चलिए अब हमने एक तो बात तय कर ली, व्हाट इज सक्सेस एंड हाउ एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन क्या ऐसे चीजें हैं जो सक्सेस के बीच में रोड़ा बन के सामने आती? सर फ्रेंकली स्पीकिंग वी आर द वंस हु कम्स इन आवर सक्सेस, हम खुद या अपनी सक्सेस के आड़े आते हैं। यस सर जी, बहुत अच्छा। लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड लैक ऑफ प्लानिंग, फियर ऑफ फेलियर, एंड इफ द पर्सन इज नॉट ड्रिवन इनफ देन ही कांट बी सक्सेसफुल। ओके दैट्स वेरी गुड जी। एनीबॉडी एल्स? जी अकॉर्डिंग टू मी सक्सेस इज अबाउट एन एटीट्यूड। When a person starts feeling that he is successful, that is the time where his downgrade will start. So he should be hungry to be successful, but he should never believe that he is totally successful. Once he'll start thinking that I am successful, that is the time from where his downgrading will actually start. Very good, very good. इन्होंने कहा कि success को एक फाइनल डेस्टिनेशन ना मान लें, ये जर्नी है जो कंटिन्यू करेगी। अगर आप कहीं उसको फाइनल डेस्टिनेशन मान के रुक गए तो फिर सक्सेस फिर भाग जाएगी। वेरी गुड सर। अकॉर्डिंग टू मी वी आर एक्चुअली मेजरिंग सक्सेस विद मनी, विच इज़ रॉन्ग, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ स्टॉपिंग अस फ्रॉम सक्सीडिंग। If we shift our focus from money to actually creating value, क्या सोचना चाहिए? Creating value is also money. किस टर्म में आप मनी वैल्यू क्रिएट करेंगे? Creating value in what we do, जो हम काम कर रहे हैं उससे सोसाइटी को क्या बेनिफिट हो रहा है वो अगर हम कर पाए तो सक्सेस अपने आप आएगी। हमें काबिल बनना है। बहुत अच्छा विचार है, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स जो आपको यहाँ पे खर्चा कर रहे हैं वो किसी और आशा से कर रहे हों तो सर उनको ये होगा कि बेटी पढ़े लिखेगी, कुछ आगे अपने लिए खुद कमाएगी, अपने परिवार के लिए कमाएगी, अच्छी पढ़ लिख जाएगी तो लड़का भी अच्छा मिलेगा, परिवार भी अच्छा मिलेगा। उनकी आकांक्षाएं कुछ अलग हो सकती हैं आपसे। सर फिर मैं उन्हें विनती करूँगी कि वो मेरी आकांक्षाएँ को समझें। बहुत अच्छे। और जैसे कि सक्सेस के मायने अलग हैं, वैसे सक्सेस में जो परेशानियां वो भी अलग अलग हैं। लाइक किसी के लिए रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं, जो कि रूरल एरियाज में है मोस्टली पीपल, उनके पास टैलेंट तो है बट उनको जो है कि रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपने आप को डेवलप कर सकें, नर्चर कर सकें। और किसी के लिए जो है कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, जैसे कि इंडियन क्रिकेट टीम गई है, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होंगे कि जो कि टैलेंट होगा बट चयन नहीं हुआ है किसी भी गेम्स में, तो उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती कि वो अपने आप को शो कर सके, तो उनके लिए वो सक्सेस का प्रॉब्लम है। ये तो देखिए, इस बात को अगर सोचेंगे तो देर आर सैकड़ों चीज़ें हैं। मैंने कुछ लिस्ट की है यहाँ, लेजीनेस है, लैक ऑफ एफर्ट एंड डेडिकेशन है, आदमी की ईगो अपना अहम बीच में आ जाता है सक्सेस के। सबसे बड़ा है अगर कोई रुकावट डालने वाली चीज़ है तो ईगो, अहम। मैं ये क्यों करूँ, मैं ऐसा कैसे करूँ? अपॉर्चुनिटी आपके पास आई, आपके दरवाजे पे दस्तखत दी पर आप सोए रहे, नहीं देखा आपने, पहचाना नहीं। नॉट एनफ सपोर्ट फ्रॉम द नियर एंड डियर, जैसा आपने कहा कि आपके टैलेंट है लेकिन चुना चयन नहीं होता, अपॉर्चुनिटी नहीं भी मिलती हैं बहुत जगह। ऐसी बहुत सी चिट्ठियाँ मुझे आती हैं, वो कहते हैं कि साहब मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ, मेरे गाँव में तो मेरे शहर में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन मैं अपनी जगह छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि मेरे माता पिता हैं, मैं उनको छोड़ के जा नहीं सकता। अब क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, क्या करेंगे? व्हाट आई बिलीव इज इफ यू हैव द ड्राइव टू अचीव सक्सेस यू विल फाइंड अ वे। एंड एज अ फ्रेंड सेड दैट यू नो वंस यू फील यू आर सक्सेसफुल यू स्टॉप देयर एंड देन यू कांट एक्चुअली अचीव सक्सेस। बट व्हाट आई बिलीव इज यू शुड हैव टेस्टेड सक्सेस वंस फॉर इट टू ड्राइव यू टू बी मोर सक्सेसफुल एंड टू लीड यू फर्दर ऑन टूवर्ड्स द पाथ ऑफ सक्सेस। वेरी गुड, वेरी गुड। इतना तन्वी, इतना एक संशोधन करना चाहूँगा आपकी बात में कि जब आपको थोड़ी सक्सेस का टेस्ट आया ना, आप अपने आप आगे बढ़ेंगे, फिर आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, फिर इतना डिटर्मिनेशन वो खुद ब खुद आ जाता है अंदर से कि आप और आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो सक्सेस जो है
वो अपने आप धकेलती है आगे. जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कि 125 करोड़ लोगों को के मन में अगर विश्वास जगा दिया मैंने तो उतने में देश बहुत आगे चला जाएगा. और वो हो रहा है, दिख रहा है हमको. हाँ बताइए पीछे कुछ कह रहे. सर मेरा ये पॉइंट है कि सक्सेस और रिकॉग्निशन दो अलग अलग चीज़ें होती हैं. ज़रूरी ना हो कि अगर आप सक्सेसफुल बने आपको रिकॉग्निशन मिले. बहुत लोग यहाँ पे ऐसे हैं या फिर इन जनरल भी जिनको सक्सेस और रिकॉग्निशन दोनों साथ ब साथ चाहिए. कल मैं सक्सेसफुल हूँ अपने लाइफ में बट मैं ये फील नहीं करती क्योंकि मेरे को रिकॉग्निशन नहीं मिलता. ज़रूरी नहीं है सक्सेसफुल हो आप और आपको रिकॉग्निशन भी मिले. यही मेरा पॉइंट है. नहीं 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 ये तो बात ये गलत अपेक्षा है आपकी. यदि कोई व्यक्ति अपना यू आर डूइंग योर बेस्ट यू आर गिविंग योर बेस्ट एट एनी थिंग किसी भी काम को जब आप करते हैं बड़ा ध्यान से बड़ा विचार से अपने सारी ताकत लगा के उस काम को यदि करते हैं और आपको पता है कि मैंने आई हैव गिवन माई बेस्ट शॉट इवन इफ यू हैव नॉट सक्सीडेड यू आर स्टिल ए सक्सेसफुल पर्सन अकॉर्डिंग टू माई थिंकिंग. और दूसरा एक बड़ी कोलोकियल उदाहरण है नॉर्थ इंडिया का कि भगवान ने और कुदरत ने जिसको जिस भी नाम से आप जाने जिसको भी आप समझते हो मानते हो कुदरत ने कुछ चीज़ें अपने हाथ में रखी. उन्होंने कहा कि हान लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ ये छह चीज़ें कुदरत ने अपने हाथ में रखी. तो यश जो है आप रिकग्निशन का माने यश आपको मिला कि नहीं मिला वो उसने अपने पास रखी हुई. कई बार आप कुछ गलत काम नहीं भी करते उसकी वजह से भी आपको अपयश मिल जाता आपकी बुराई हो जाती. तो ये रिकग्निशन आपको अपने आप से मिलना चाहिए. बाहर के लोग रिकग्नाइज करें या नहीं करें उसकी चिंता मत करिए.